नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ कंट्री से रिलेटेड, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत। जी हाँ, टोटली आप लोगों के जो कमेंट आए थे मैं वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा, ताकि 20 कमेंट भी 20,000 लोगों तक पहुंचे, 20 लोगों की बजाय 20,000 लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि उनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, आपका जो क्वेश्चन किया तो वीडियो के माध्यम से कहीं पर भी आ सकता है। भाई वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सर कुमार बोलते हैं, सर दुबई के लिए वीजा लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं, क्या टिकट भी साथ में मिलती है, क्या अलग से लेना पड़ता है? भाई देखिए, वीजा दुबई के अलग अलग हैं, 1 महीने का वीजा, 3 महीने का वीजा, या फिर बिजनेस वीजा बोल सकते हो, वर्क परमिट भी बोल सकते हो, सबकी अलग अलग प्राइस है, टिकट अलग से लेनी पड़ती है, वीजा का टिकट से कोई रोल यह मेल नहीं होता है। कुवैत सेल्फी बोलते हैं, सर मेरा नाम तनवीर है, एक सवाल पूछना था, एक दोस्त को दुबई से लेकर आना है, उसको विजिट वीजा में तो क्या ला सकता हूँ, अभी कैसे ला सकता हूँ? भाई दोस्त को आप जाके लेके आओगे ऐसा क्यों, उसको बोल दीजिए कि उसके पास कैसे भी है नियरेस्ट, अगर प्रॉब्लम है तो एम्बेसी जाए या फिर टिकट बना के खुद ही आ जाएगा। यार आप अगर वो गया अकेला है तो अकेला आ भी तो सकता है ना, बाकी आपको ये लगता है कि नहीं जाके लेके आना है, तो वीज़ा लो, टिकट लो, 1 महीने का वीज़ा टिकट लो, COVID-19 नेगेटिव की रिपोर्ट लो, फ्लाइट लेके दुबई पहुंच जाओ, दुबई से वापस लेके आ जाओ। अंकित सिंह बोलते हैं, सर ओमान न्यू वीज़ा कब ओपन करेगा? जी हाँ भाई देखिए, अभी टाइम इसमें कह नहीं सकते, अब कब ओपन करेगा इसका मतलब तो मुझे पता है, आपको नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता ना, जब अपडेट आएगा तब पता लगेगा, अभी तक कोई अपडेट इस बात का है नहीं। फ्लाइट भी एयर बबल्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, तो इतना कुछ है नहीं, जैसे कोई नई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। रियल ठाकुर बोलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर बुकिंग ओपन लिखा हुआ है बट बुकिंग नहीं हो पा रही है, प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई इसमें कई रीज़न हो सकते हैं, कई बार क्या होता है एयर बबल्स के अकॉर्डिंग पहले से घोषणा हो जाती है उस कंट्री में इतनी तारीख को फ्लाइट जाएगी, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, तो फ्लाइट टिकट बुकिंग तो वो ऐड कर देते हैं पहले से, बुकिंग करोगे तो बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो फ्लाइट है ही नहीं, शेड्यूल ही नहीं बना उस फ्लाइट का, तो बुकिंग कैसे होगी, इसका ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। मान फिल्म हाउस बोलते हैं, सर मेरे को आए हुए 7 मंथ हो गए हैं, कंपनी पैसे नहीं दे रही है, वीज़ा भी लगा दिया है, पैसा मांगने पर झगड़ा करता है, क्या करूँ? भाई उसको बोल दे कि हम आपकी शिकायत करेंगे, पहले तो मुँह से बोलिए कि हम आपकी मोहरे में शिकायत करेंगे, पैसा दे दीजिए, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, नहीं फिर भी सुनवाई करता है तो उनको आप मेल करिए, अपनी अपने मोबाइल से ऑफिशियल मेल पे मेल करें कि 7 महीने से हम इतना इतने टाइम में ऐसे ऐसे बैठे हैं, जितना आपका काम किया है, कोरोना का थोड़ा सा हटा दीजिए भाई, कोरोना में काफ़ी कंपनियों सैलरी नहीं मिल पा रही हैं, और उसके बावजूद भी उसका रिप्लाई नहीं करें तो एक एप्लीकेशन वगैरह लिख के स्क्रीनशॉट लेके जो मेल किया है मोहरे में शिकायत कर दो, सैलरी देनी पड़ेगी कंपनी को। सोहेल माशेक बोलते हैं, सर मुझे सऊदीया जाना है, आप बता सकते हैं न्यू वीज़ा कब तक शुरू होगा? जी हाँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते कि वीज़ा कब ओपन होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। जब तक फ्लाइट ही सऊदी की वही बंद है तो वीज़ा का तो सोच ही नहीं सकते, फ्लाइटें चल रही हैं तो यह तो सोच लेते हैं हाँ भाई वीज़ा ओपन होगा, तो वीज़ा का भी कोई अपडेट नहीं है, पहले फ्लाइट शुरू होने दो, उसके बाद अपडेट आएगा। सिराज कौर बोलती हैं, सर ओमान का फ्लाइट ओपन है क्या? बिल्कुल फ्लाइट ओपन है, लेकिन वो वंदे भारत 6 के तहत ओपन है, एयर बबल्स के अकॉर्डिंग नॉर्मली फ्लाइट नहीं है। जे हो पूछते हैं, सर कुवैत में एंट्री कर सकते हैं क्या? दुबई 14 दिन रुककर एंट्री होगा कुवैत में? जी भाई हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, काफ़ी लोग जो इंडिया से गए थे दुबई, दुबई से फिर COVID-19 की रिपोर्ट लेके कुवैत पहुंच गए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपका वीज़ा, क्योंकि कुवैत ने बहुत सारे नियम बदल दिए, बहुत सारा कुछ गलत, आप अपनी अपनी भाषा में गलत बोल सकते हैं, लेकिन वो उनको सही लग रहा है, तो चेंजमेंट हुए हैं उसमें। तो कई बार ऐसा सुनने भी आया था कि यहाँ से लोग दुबई गए, टिकट लेके दुबई में रहे, खर्चा लगा, फिर वो कुवैत गए तो कुवैत में उनको एंट्री नहीं मिली, तो इस बात का थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए। राकेश चौधरी बोलते हैं, कुवैत से इंडिया के लिए नॉर्मल फ्लाइट कब चलेगा? भाई कुवैत से इंडिया के लिए नॉर्मल फ्लाइट में अभी हो सकता है जल्द ही, लेकिन नॉर्मल फ्लाइट कैसे चलेगा भाई? इंडिया से कुवैत चलेगा तभी तो कुवैत से इंडिया चलेगा ना, इसका अभी रिप्लाई नहीं है। एयर बबल्स के अकॉर्डिंग फ्लाइटें चल रही हैं, उसी में आपको टिकट लेके इंडिया आना पड़ेगा, बाकी नॉर्मल फ्लाइटों में टाइम हो सकता है लग जाए, वो समझौता होगा उसके आधार पर तय करेगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट है नहीं, छोटी मोटी भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। अमित कुमार बोलते हैं, सर मुझे वीज़ा कैंसिल करके घर जाना है, मुझे कंपनी जाने नहीं दे रही है, तो मैं क्या कहाँ शिकायत करूँ? भाई अपने कंट्री का नाम तो मुझे इसमें लिखा नहीं, बाकी मैं बता दूं कि देखिए दो अग्रीमेंट होते हैं, एक लिमिटेड अग्रीमेंट होता है, एक अनलिमिटेड होता है। 2 साल का अग्रीमेंट आपका हुआ है, 2 साल का वीज़ा लगा हुआ है, 2 साल से पहले आप आते हो तो उसका फिर कंपनी आपसे हर्जाना मांग सकती है वीज़ा का, कि वीज़ा का पैसा दे के आप जाओ, ठीक है?
या फिर आप बीच में आते हो तो कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती है, ये लफड़ा होता है। अब आपका कौन सा अग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से आपको तय करना होगा कि आपको टाइम से पहले आना हो तो आपको भाई जुर्माना देना पड़ेगा, एग्जिट लेके आना पड़ेगा, कई लफड़े होते हैं। तो आप थोड़ा सा उसमें देख लीजिए, इसमें शिकायत करने से पहले आप देख लें कि आप सही कितने हो गलत कितने, उसके आधार पर फैसला होगा। किशोर कुमार पूछते हैं, सर अगर वीज़ा मेरा पासपोर्ट वीज़ा अब ब्लैकलिस्ट हो गया, कोई दूसरे जगह तो जा सकता हूँ ना? दुबई हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है? मलेशिया, मलेशिया नहीं तो दूसरी जगह तो जा सकता हूँ ना? युवा साल तक कहीं जे, मेरा नाम किशोर है, अजमेर का रहने वाला हूँ, 15 महीना हो गया है, आना चाहता हूँ तब। भाई देखिए जी हाँ, ब्लैकलिस्ट आप हो गए कोई इशू नहीं पड़ता, कोई भी कंट्री में आप हैं 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट होते हैं, 5 साल बाद उसी कंट्री में जा सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिलिस हर बोलते हैं, सर बहुत कुछ बताया ठीक है आपसे, बट इंडिया और दुबई मैन पावर में बहुत फ़र्क है, यहाँ पर फ्रॉड नहीं होता है, कोई भी वीज़ा निकाल पर आप GDRF में साइट पर या IC स्मार्ट सर्विस पे चेक कर सकते हैं। बिकॉम आई एम इन दुबई लास्ट 7 ईयर्स। जी हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं नहीं बोलता दुबई में फ्रॉड होता है, मैंने कभी नहीं बोली ये बात, लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है कि इंडिया में जो मैन पावर होते हैं वहाँ पर भी फ्रॉड नहीं होता है, अगर देखा जाए तो फ्रॉड सब जगह ही होता है। और फ्रॉड कौन करते हैं? जो छुटभैये होते हैं, जो अच्छे आदमी, जो बड़े मैन पावर होते हैं वो कभी गलत काम नहीं करेंगे, जो छुटपैये होते हैं कोई छोटा मोटा लाइसेंस लेके या दिखाने के चक्कर में बैठ जाते हैं, वो चीटिंग वो भी नहीं कर सकते, चीटिंग वो नहीं कर सकते, उनको पता है अपनी बैंड बजा देगा, अपने को यहाँ से ब्लैकलिस्ट करवा सकता है ये कंपनी, ये बड़े बड़े सपने धरे के धरे रह जाएंगे। बस वही है, पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लिया, काम दूसरा बता दिया, तीसरे में लगा दिया, ये हो सकता है। बाकी फर्जीवाड़ा वीज़ा तो देखो इंडिया में भी चेक होता है, अगर दुबई में होता है तो इंडिया में भी वीज़ा तो चेक होता है, सब जगह होता है, वो तो ऑनलाइन है, पूरा इंटरनेशनल मैटर चलता है ये। तो जो वीज़ा दुबई का है वो तो इंडिया में चेक होगा, इंडिया का अगर निकला तो दुबई से है ना, तो इंडिया में चेक हो जाएगा, ये इंडिया का वीज़ा है तो मतलब वो कोई इशू नहीं है। लेकिन चीटिंग करने वाले कौन है? अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग वहाँ जाके बैठे हैं, वो ही गलत करते हैं, बाकी इतना कोई है नहीं। रोबन सैनी बोलते हैं, लीगल वर्कर को भी कोई पास बनवाना होगा इंडिया आने के लिए, मलेशिया के लिए बोलें तो भाई किसने बोल दिया? बिल्कुल नहीं है, अगर लीगल वर्कर है तो पास बनाने की क्या जरूरत है, सीधा फ्लाइट में रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, बना के टिकट लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नितेश यादव बोलते हैं, क्या बहरीन की फ़्लाइट चालू हो गई है? बिल्कुल बहरीन की एयर बबल्स के अनुसार फ़्लाइटें चालू हैं, नॉर्मल फ़्लाइटें हैं, आप जो बड़ी वाली वो तो है नहीं, नॉर्मल फ़्लाइटें चालू नहीं है, एयर बबल्स में फ़्लाइटें आपको मिल सकती हैं अगर आप बहरीन जाना चाहते हैं। प्रीत दीवाल बोलते हैं, सर दुबई का टूरिस्ट वीज़ा कब स्टार्ट हो गया? अरे भाई दुबई का वीज़ा 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, बाकी पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो बना चुके हैं। सुरेंद्र पाल बोलते हैं, भाई मेरा वीज़ा भी अभी कुवैत से छुट्टी पे आया हूँ, 10 मंथ हो गया है, वापस जा सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका 10 मंथ हो गया है तो मुझे नहीं लगता आप कुवैत पहुँच पाओगे, क्योंकि कुवैत के नियम ही ऐसे ही निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। मोहन कुमार जी बोलते हैं, खाली दुबई से मैसेज आपको, मलेशिया से कोई मैसेज नहीं मिलता, क्या आपको इंटरनेशनल फ्लाइट कब चालू होगी? कोई फ्लाइट है मलेशिया से इंडिया, कोई भी जगह का इंडिया आना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई फ्लाइट हो तो हमें मैसेज दें। भाई देखिए मलेशिया तो का कोई अपडेट नहीं है, मलेशिया खुद भी कोई अपडेट नहीं है, वो अपडेट देता भी नहीं है दूसरों को, कोई अपडेट नहीं है मलेशिया की, कहानी ख़त्म है, जब मौका मिले आ जाओ इंडिया, बस इतना ही है। सुनील दास बोलते हैं, हेलो सर, 10 साल पहले मैं दुबई गया था, मेरा पासपोर्ट दुबई में रह गया था, अब मैं आउट पास से आ गया था, अब मैं क्या दुबई जा सकता हूँ? बिल्कुल आप 5 साल के बाद में दोबारा जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जावेद अहमद बोलते हैं, मैं एग्जिट आया हूँ, जब जॉब वीज़ा कब शुरू होगा? भैया जॉब वीज़ा कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? बाकी जो वीज़ा बहरीन के अलावा अभी कोई अपडेट आई नहीं है जो वीज़ा की, आएगी तो हम आपको बताएंगे। न्यू पंजाब बोलते हैं, सर मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, 40 दिन हो गए हैं, कंपनी 3 महीने से सैलरी नहीं दे रही है, हिसाब दे रही है ना ही हिसाब दे रही है, क्या करूं? भाई आपका वीज़ा में 40 दिन हो चुका है, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, उस दौरान आप अगर एक्शन ले लेते हो तो आपका वीज़ा दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप 40 दिन बैठे हो, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया, हाथ पे हाथ धर के कंपनी जब सैलरी देगी तब, तो आप तो इलीगल हो गए, आप तो इलीगल हो जाओगे, फिर सैलरी, फिर आप अभी तो आप कंपनी को आप चोर बना रहे हो, फिर आप चोर बन जाओगे, फिर क्या होगा आपका? आप इलीगल हो जाओगे, पुलिस पकड़ के आपको अंदर डालेगी, जेल में जाओगे, आपको सैलरी तो दूर की बात है। आपको तुरंत प्रभाव से मोहरे में इनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ एक्शन एप्लीकेशन देनी चाहिए और केस कर देना चाहिए, इसी में आपकी जीत हो सकती है, वरना आपकी गलती गलत होगा आपके साथ। बस ये कुछ अपडेट थे आप लोगों के साथ वीडियो में, कमेंट के माध्यम से मैंने वीडियो बना के आपको दिए हैं, आपका भी कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।